सांसद सोएब मलिक के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने के पश्चात भाजपा कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह उत्पन्न हुआ है। सांसद सोएब मलिक संगठन को और अधिक चुस्त और दुरुस्त करने के लिए प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं की कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को भाजपा कार्यालय शहीद हरबंस लाल खन्ना स्मारक में आजीवन सहयोग जन निधि कार्यक्रम का आयोजन जिला भाजपा अध्यक्ष एडवोकेट राजेश हानी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मंडलों और मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद सोएब मलिक ने बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाकर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रदेश भाजपा द्वारा आगामी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने का वचन दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, कार्यकर्ताओं की मेहनत के बगैर इस कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस समय भाजपा का पूरा ध्यान 2019 के लोकसभा चुनाव पर है, हमें प्रदेश की 13 सीटें जीतनी है। उन्होंने कहा कि लोगों से झूठे वादे कर सत्ता में आई कैप्टन सरकार से लोगों का मोह भंग हो गया है। भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास, भाजपा का कार्यकर्ता सत्ता की प्राप्ति सेवा के लिए करता है, आज प्रत्यक्ष रूप से नजर आ रहा है। मैं नमन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे, वो मेरी शक्ति है। आज स्वागत समारोह रैलियों का रूप धारण कर रहे हैं, आज कार्यकर्ता इकट्ठा हो गया है, कोई कुछ नहीं, सब इस टाइम संतुष्ट हैं, कोई असंतुष्ट नहीं, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूं, मेरा सिर्फ नजर कार्यकर्ता पे है, जो खून और पसीना बहाकर आज पार्टी को यहां तक ले आया कि सारे देश में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज, माननीय श्री मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे, माननीय श्री अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री जेटली जी और समस्त लीडरशिप के नेतृत्व में आज ये सुनहरे दिन हम देख रहे हैं, अब पंजाब में भी देखने को मिलेंगे। पंजाब वो धरती है जिसने हर आंदोलन में भाग लिया, पंजाब वो धरती है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में सबसे अधिक जो हमारे शूरवीर हैं उन्होंने अपने प्राण अर्पित किए, पंजाब ने कांग्रेस द्वारा लगाई एमरजेंसी का मुंह तोड़ जवाब दिया, पंजाब वो धरती है कि जब 1984 में कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री जिस टाइम उनकी हत्या हुई तो कैसे वो नरसंहार हुआ सिख बंधुओं का, आगे टायर डाल डाल के उनको जलाया गया, जनरल डायर की याद आ गई और याद आ गई हमें गुरुओं को जब तवों पे जलाया गया था, ऐसे समय में भी मुकाबला किया, पंजाब आज भी मुकाबला कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी अग्रिम पंक्ति में खड़ी होके देश की सुरक्षा करेगी और देश की सुरक्षा दुश्मनों से तो करेगी ही, कांग्रेस से भी करेगी कि कांग्रेस के पंजे ने पंजाब को झूठ बोलकर गुमराह करके षड्यंत्र करके दबोच रखा है। ये भाजपा का करंट देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अमृतसर की कार्यशाला है जिसमें के कार्यकर्ता घरों से आए हैं खुद निकल के, तो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। पंजाब बचाओ कांग्रेस भगाओ। पुलिस को मैं नमन करता हूं, पुलिस जो है पंजाब पुलिस बेहतरीन पुलिस है, क्या मनोबल रहेगा उस पुलिस का जिसके अधिकारी को प्रोत्साहित करने के बजाय दंडित किया गया है, ये कांग्रेस का कल्चर है। जवाब मिलने वाला है, सत्ता में जो आप मदहोश हो, ये देश की जनता है, ये लोकतंत्र ने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के फेंक दिए, इस देश की जनता ने आज आपको नेता विपक्ष बनने से भी बाहर कर दिया, आप नेता विपक्ष भी नहीं बन पाए हो देश में, आप सबसे बड़ी पार्टी थे आज शून्य बन के उभर रहे हो, जल्दी आप देश आपसे मुक्त हो जाएगा। सो मैं आपको वादा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, ये मेरी शक्ति है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 2019 के चुनाव में पंजाब की 13 की 13 सीटें श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक भेंट करेंगे अपने युग पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ऐसा है कि जोशी साहब अस्वस्थ थे, सवेरे कोर ग्रुप की बैठक अनिल जोशी जी उपस्थित थे, मेरे को विशेष आग्रह तो बाद गए, चित्र तुम भेज देंगे, ये पार्टी सारी यूनाइटेड है, कोई कोर कमेटी भी आए ने, उन्होंने थोड़ी बैक नहीं उन्होंने मेरी सुन लो ना जी, उन्होंने बैक की थोड़ी प्रॉब्लम है, अस्वस्थ ने, इस करके वो मेरे नाल चर्चा करने तो बाद गए हैं।